की हालत जो है खराब है महाराष्ट्र में भी। ऐसे स्थिति में कोविड कोविड को ये करने के लिए वेंटिलेटर दिए थे पीएम केयर फंड से औरंगाबाद के लिए 400, तो वह बोगस और नकली है ऐसा आरोप खासदार इम्तियाज जलील ने आज लगाया है। तो इस बात में कितना तथ्य है यह बताइए, सरकार आपकी है। इम्तियाज जलील MIM के खासदार है और उसका काम है विरोध करना और हमेशा विरोध करते रहते हैं। कोई भी चीज उनको अच्छी नहीं लगती, अच्छा दिखता नहीं उनको, सब विरोध में ही बात करते हैं। पीएम केयर फंड से महाराष्ट्र में 1100 वेंटिलेटर दिया है। 1100 में से 150 वेंटिलेटर हमारे घाटी में आए हैं। अब ये 150 में से कुछ वेंटिलेटर चालू है, कुछ बंद है। उन्होंने जो वेंटिलेटर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से जो वेंटिलेटर सिविल हॉस्पिटल में दिए थे, उसमें एक पार्ट जो 3 या 3,500 का है वो कम था। और सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी, इन्होंने बताया वो हम 3,000 का पार्ट लाया और वेंटिलेटर चालू करें। पीएम केयर फंड से पहले इंस्टॉलमेंट जो आया था वो वेंटिलेटर चालू है। दूसरे वेंटिलेटर यहाँ के डीन, इन्होंने बताया कि हम चला रहे नहीं है, उसमें कुछ कम है। तो वो डीन का काम है, डीन डॉक्टर का काम है कि जो कुछ कमी है उसमें से 2-3 हजार का पार्ट लगाना और वो वेंटिलेटर चलाना। तो ये जिले में, मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में कहीं भी ऐसी कंप्लेन नहीं है, सिर्फ मेडिकल कॉलेज घाटी में ही तकलीफ है। तो मुझे लगता है ये डीन रहो या मेडिसिन के प्रोफेसर रहो, उन्होंने ये वेंटिलेटर चलाना चाहिए और लोगों को जिनको वेंटिलेटर की जरूरत है वो वेंटिलेटर्स जरूरत है तो उन वेंटिलेटर चला के लोगों की जान बचाना चाहिए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि सरकार ने विशेष फंड अलग से दिया है कि लोक प्रतिनिधि को कोविड पर खर्च करने के लिए, आमदार और खासदार को। महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने आमदार के लिए 1 करोड़ का फंड दिया है, लेकिन सभी खासदारों को जो फंड मिलता है वो खासदारों का फंड पीएम केयर फंड में जमा हुआ है और पीएम केयर फंड से हर स्टेट में, हर जिले में अलग अलग कोविड के लिए काम चल रहे हैं। जैसा हमारे पंतप्रधान माननीय मोदी साहब ने डिक्लेयर कर दिया कि हर जिले में 541 जिले में 541 ऑक्सीजन का प्लांट लगाने वाले हैं। कोविड केयर फंड से अभी सबको ऑक्सीजन मिलने के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे रहे हैं। उतना ही नहीं तो वेंटिलेटर दे चुके हैं, इतना ही नहीं तो इंजेक्शन रेमडेसिविर वो भी आ रहा है। तो हर तरह की मदद माननीय मोदी साहब हर जिले में कर रहे, वो देश के पंतप्रधान है, इसलिए सब एरिया में उनका ख्याल है और कोरोना बाधित लोगों को मदद कर रहे हैं। नहीं सर, आपको 1 साल के करीब हो गया है खासदार बनने, राज्यसभा के मेंबर बनने, लेकिन आपका फंड कहाँ है और आपका काम कहाँ पर हो रहा है, विकास का ये कुछ नजर नहीं आ रहा है। हमारा इसका जो फंड रहता है खासदार निधि का, वो हमको मिला नहीं है, किसी खासदार को मिला नहीं, ना मुझे मिला ना लोकसभा का खासदार का मिला। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे 1 साल हुआ है, 1 साल में 2,000 करोड़ का PNG गैस लाइन मैंने शहर के लिए लाया है। अभी वालुस्तक काम, श्रीगोंदा से वालुस्तक काम हो रहा है। अभी हर एक घर में, जो गरीब रहो अमीर रहो, छोटा रहो बड़ा रहो, उनके घर में गैस सिलेंडर के बजाय गैस की पाइपलाइन जाने वाली है। हमारे मराठवाड़े की डिमांड थी बरसों से, 50 साल से डिमांड थी कि हमारे जो रेलवे है, रेलवे का जो रेलवे लाइन जाती है उधर इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, वो भी डिमांड मंजूर हो चुकी है। 360 करोड़ का काम मराठवाड़े के लिए मैंने लाया है। उतना ही नहीं तो डबलीकरण के लिए मैंने कोशिश किया और वो भी अगले साल चालू हो सकता है, अभी तक मंजूर नहीं हुआ, लेकिन हमें रेलवे मंत्री ने प्रॉमिस किया है। और वो पेट्रोल डिपो, डीजल डिपो का भी काम कहाँ रहा पेट्रोलियम है? मराठवाड़े में गैस और पेट्रोल का डेपो होना, इसकी भी मैंने मांग की थी। उसके लिए इंडियन ऑयल की कमेटी आई थी, उन्होंने सब सर्वे करके गए हैं, उसका रिपोर्ट अभी तक आया नहीं। इतना ही नहीं तो संभाजीनगर, अहमदनगर, पुणे ऐसा रेलगाड़ी होना, इसलिए मैंने कोशिश किया हूँ।
एक रेलवे की कमेटी मिस्टर सुरेश जैन बोल के आए थे और उन्होंने सर्वे किया है, सर्वे का रिपोर्ट बाकी है, जैसा ही सर्वे पॉजिटिव आएगा वो भी मंजूरी मिल सकती है। संभाजीनगर शहर में, औरंगाबाद शहर में यहाँ पिट लाइन बोल तो रेलवे का वर्कशॉप करने के लिए भी मैंने कोशिश किया है, उसको भी मंजूरी मिलने वाली है। ऐसे बहुत सारे काम, टूरिज्म क्षेत्र में भी बहुत काम किया है, तो हर काम को थोड़ा टाइम लगता है और कोविड की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ जो पिछले खासदारों ने सालों में कुछ काम नहीं किया तो मैं मेरे टर्म में करके बताऊंगा और ये शहर का विकास के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। मैं यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ, मुझे ये शहर के प्रॉब्लम मालूम है और इसका विकास करने के लिए हर मिनिस्ट्री के साथ मैं कोशिश करने वाला हूँ। यहाँ के साई क्रीड़ा क्षेत्र है, साई को मिनिस्टर मिस्टर रिजाजू को इधर लाया था और उन्होंने इधर आके एक ओलंपिक ट्रैक हो, हॉकी का ग्राउंड का उद्घाटन किया था, फिनिशिंग का ग्राउंड का उद्घाटन किया था, उसके लिए भी पैसे मंजूर कर चुके हैं, पैसे कुछ पैसे आया है, कुछ पैसे आएंगे, इसलिए हर क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। थैंक यू।